नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार हिस्टोरिका इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में किस प्रकार से धम्मपद की जो 6 गाथाएं हैं उसको अर्थ सहित वाचन किया था। दोस्तों, आपको पता है कि धम्मपद जो है बौद्ध धर्म का एक पवित्र की पुस्तक है और उसमें भगवान बुद्ध के जो वचन है, जो उन्होंने भिक्षुओं और उपासकों को संबोधित करते हुए जो आदर्श जीवन जीने के लिए और सद्कर्म करने के लिए जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, उन्हीं उपदेशों को आज हम धम्मपद कहते हैं। और धम्मपद के जो 26 वग हैं उनमें जो गाथा हैं, उन्हीं गाथाओं को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था अर्थ सहित, और आज मैं इस वीडियो में भी यमक वग के जो 6-7वें श्लोक से लेके 12 श्लोक, आज भी 5 श्लोक मैं गाथा मैं आपसे शेयर करूँगा अर्थ के साथ। और आपसे आशा करूँगा कि आप इसको पूरा सुनेंगे, इससे लाभान्वित होंगे और आप इस किताब को, धम्मपद के जो इस किताब है इसको भी पढ़ेंगे और भगवान बुद्ध के वचनों से लबप्रद होंगे और अपने जीवन में सद कार्य करेंगे, सत वचन बोलेंगे। तो दोस्तों, जो यमक बग के जो 7वां गाथा है उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। शुभानुपस्थिम भेरंत इंद्रियेषु अंशभूतम आभोजनमहि अमत अन्नुम कुसितम हिन्वीर्यम तम वे पसहति मारो वातो रुखम दुबलम। इसका अर्थ है कि शुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत रहने वाले, मतलब कि जो अपने इंद्रियां हैं, जो इच्छाएं हैं उसको आप कंट्रोल नहीं करने वाले कि जो हो रहा है होने दो, भोजन में मात्रा ना जानने वाला कि मतलब जितना खाना है खाते रहो, एक फिक्स अमाउंट स्वास्थ्य के अनुसार क्या खाना है इस पे आप ध्यान नहीं देने वाले, आलसी लोग जो अपने काम से आलसी हैं, सोए हुए हैं तो सोए हुए हैं, कब क्या करना है वैसे कार्यों से जो निरुक्त लोग हैं, और उद्योगहीन पुरुष, उद्योगहीन मतलब जो कोई काम नहीं करते हैं, निठल्ले हैं, बैठे हैं, को मार वैसे ही गिरा देता है। मार मतलब मार जो भगवान बुद्ध को पराजित करने के लिए आया था, वो मार मतलब कि वैसी शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ, आंतरिक आसुरी शक्तियाँ जो है वो आपको वैसे ही गिरा देता है जैसे कि वायु दुर्बल पेड़ को, मतलब कि आपके अंदर की जो निगेटिविटी है वो आपको बर्बाद कर देता है, जैसे कि वायु है जो एयर है वो क्या करता है, एक कमज़ोर वृक्ष को गिरा देता है। जब तूफान आती है तो आप लोग देखते होंगे कि जो कमज़ोर वृक्ष हैं वो गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं, जो मजबूत वृक्ष हैं वो तो उसी तरह टिके रहते हैं। उसके बाद अशुभानुपस्थिम बहिरंदम इंद्रियेषु सुसंभूतम भोजनमहि च मत्तन्नु सदम अराधवीर्यम तम वे नपसहति मारो वातो सेल्वम पवतम। मतलब अशुभ ही अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयम रखने वाले, जो अपने इंद्रियों को, इच्छाओं को कंट्रोल करता है, भोजन लिमिट करता है, श्रद्धावान होता है और कर्मशील होता है, मतलब उद्योगी पुरुष होता है, काम करने वाला पुरुष होता है, को मार वैसे ही नहीं दिखा सकता है जैसे कि वायु शैल पर्वत को, मतलब कि जैसे कि जो हवा है वो पत्थर को, पहाड़ को नहीं उखाड़ फेंकता है, वैसे ही मार जो है, जो आपके आंतरिक निगेटिविटी निगेटिव शक्तियाँ हैं वो आपको वैसे नहीं डिगा सकती है। जब कब कब नहीं डिगा सकती है, जब आपको अपने ऑर्गेन पे, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, संयम में आप रहेंगे, भोजन लिमिट मात्रा में करेंगे, मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे ऑफ लाइफ आप जिएंगे, मतलब लेजीनेस आप में नहीं होगा, आप कर्मशील हो गए, मतलब कि एक वर्किंग मैन हो गए कि हाँ ये मेरा कर्म है, ये उचित कर्म है, ये सदकर्म है, मुझे ये कर्म करना चाहिए, तो मार आपको नहीं डिगा सकता है जैसे जैसे कि जो पहाड़ है, पर्वत है, उसको कौन नहीं डिगाता है, उसको वायु नहीं डिगा सकता है। उसके बाद अनिकसावो काशावम यो वत्थम परिदहेशति अपेतो दम सच्चेन नासो काशावम हरति। मतलब जो चित्त मलो को हटाए बिना शरीर पर कासाय वस्त्र धारण करता है वह संयम और सत से हीन कासाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। अब कह रहा है इस श्लोक में भगवान बुद्ध इस गाथा में कहते हैं कि जो चित्त मलो को हटाना, चित्त मन, मल मतलब कि निगेटिविटी यानी जो दूषित मन है, यानी अपने चित्त से जो दूषित विचारों को नहीं हटाता है, यानी जो अपने मन से, चित्त से दूषित विचारों का परित्याग नहीं करता है, यदि वह व्यक्ति कासाय धर्म
यानी बहुत बिच्छू का भी वस्त्र धारण कर लेता है, और वह संयम और सत्य से हीन व्यक्ति जो कसाई वस्त्र है उसके धारण करने का अधिकारी नहीं है। इसका अर्थात हुआ कि यदि कोई व्यक्ति बिच्छू का वस्त्र धारण करता है, संत का वस्त्र धारण करता है, साधु संत का, तो उसको क्या होना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, जीवन में सत्य बोलना चाहिए और अपने चित्त से मलों को हटाना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि वो इसका अधिकारी नहीं है। यो च बंत काशावशा शिलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सच्चेन स बेकासा बमह रहती। मतलब जिसने चित्तमलों को त्याग दिया, जो अपने मन से अपने चित्त से निगेटिव विचारों को त्याग कर दिया है, दूषित विचारों का परित्याग कर दिया है, जो सिल पर प्रतिष्ठित है, जो सिल का पालन कर रहा है, जो संयम और संयम और सत से युक्त है, मतलब कि जो अपने इंद्रियों को वश में कर रहा है, जो सद वचन बोल रहा है, वह शरीर पर कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। मतलब वही बिच्छू बनने का, वही संत बनने का अधिकारी है। जो क्या कौन है, भगवान बुद्ध ने कहा कि किसको कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है, तो उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। जो चित्त मलों को त्याग किया है, जो अपने मल से, जो अपने चित्त से दूषित विचारों को त्याग कर दिया है, जो सिल धारण किया है, जो अपने जीवन में इंद्रियों को संयमित किया है, बस में किया है, और जो सत्य युक्त, मतलब जो अपने वचनों में अबानी में सत्य का प्रयोग करता है, वैसे व्यक्ति ही अपने शरीर पे कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। अगला गाथा, असारे सारमतीनु सारे सासारदसीनु ते सारम नादि गच्छन्ति मिच्छा संकप गोचरा। जो असार को सार और सार को असार समझने वाले होते हैं, मिथ्या संकल्प में परे, वो सार को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कहना है, सार मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का निचोड़। निचोड़ मतलब जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे दही दूध है, जो उसके मक्खन है, तो जो असार को सार समझता है, ठीक है, और जो सार को असार समझता है, और जिसका जो संकल्प है, जो डिटर्मिनेशन है, वो क्या है, मिथ्या है, झूठा है। उस जिसके पास फॉर्म डिटर्मिनेशन नहीं है, जिसके पास फॉल्स डिटर्मिनेशन है कि मैंने संकल्प कर लिया कि मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन फिर मैं 2 दिन बाद वो काम कर रहा हूँ, तो वैसे व्यक्ति क्या है, वैसे व्यक्ति किसी भी चीज़ के निचोड़ को, किसी भी चीज़ के फाइनल प्रोडक्ट को, मतलब नहीं प्राप्त कर सकता है। सारंच सारतो अनत्वा असारन असारतो ते सारम अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचर। अर्थात जो असार को असार समझता है और जो सार को सार समझता है, वही सम्यक संकल्प से युक्त सार को प्राप्त कर सकता है। मतलब जो जैसा चीज है उसको वैसा ही समझता है, मतलब कि वो ज्ञानी पुरुष है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ही सार को सार असार को असार समझ सकता है। और जिसके पास सम्यक संकल्प हो, आपको अष्टांगिक मार्ग में सम्यक शब्द आता है, मतलब जिसके पास राइट डिटर्मिनेशन हो, फर्म डिटर्मिनेशन हो, वही व्यक्ति क्या है, सार को प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति मक्खन प्राप्त कर सकता है। जिसको मथने आता है कि गर्म दही के बाद मक्खन प्राप्त होगा कि दूध के बाद, दूध में ही डायरेक्ट मक्खन प्राप्त होगा, ये जो डिफरेंसेस जिसको पता है, वही जो व्यक्ति जिसके पास सम्यक संकल्प है, अर्थात राइट डिटर्मिनेशन एंड राइट पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग जिसके पास संकल्प है, वही वो चीजें प्राप्त कर सकता है। उसके बाद यथागारम दुछन्नम बुट्ठी समिति विंजन्ति एवं अभावितम चित्तम रागो समति विंजन्ति। मतलब जैसे ठीक से न छाए हुए घर में वर्षा का जल घुस जाता है, ठीक है, वैसे ही ध्यान भावना से रहित चित्त में राग प्रवेश कर जाता है। मतलब कहा गया है कि जो घर अच्छे से नहीं छाते हैं, ऊपर से अच्छे से खपरा फूस ये सब नहीं लगाते हैं,
तो क्या होगा, यदि खपरे को अच्छे से नहीं बैठाएंगे टाली वाली को, तो क्या होगा, जब बारिश में पानी टपकने लगेगा कई। और उसी प्रकार क्या होता है कि जब हम ध्यान भावना नहीं लगाते हैं, सुबह उठ के मेडिटेशन नहीं करते हैं, तब क्या होता है, हमारा मन चंचल रहता है, और जब चंचल मन और चंचल चित रहता है तो उसमें क्या होता है, राग प्रवेश कर जाता है। राग क्या है, किसी से लगाव, जो गलत लगाव है वो प्रवेश कर जाता है। भगवान क्या है, भगवान किसको कहते हैं, जो भग रागो भग द्वेषो भग मोह, भगवान बुद्ध वही हैं जो राग द्वेष और मोह को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इसका अर्थात है कि यदि आप ध्यान भावना नहीं कर रखेंगे, आप मेडिटेशनल आइडियोलॉजी आपने भी नहीं अपने अंदर लाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो राग है, जो द्वेष की जो भावना है, वो प्रवेश करी जाएगी। इत्थ सोचति पेचच सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति सो सोचति सो बिहनति दिस्वा कम्मम किल मतनु। अर्थात पापी इस लोक में शोक करता है और परलोक में जाकर भी वह दोनों जगह शोक करता है। अपने मैले कर्मों को देखकर वह शोक करता है और पीड़ित होता है। मतलब कि जो पापी है, जो पाप कर्म करते हैं, अर्थात मतलब जो गलत काम करते हैं, वो हमेशा दुख में रहते हैं। द वन हु डू वेरी इविल वर्क ही ऑलवेज फील सॉरो एंड ही ऑल्सो फील सोरो इन द परलोक सो ही ऑलवेज इन सोरो। मतलब कि वो हमेशा दुख में ही रहता है, और जो उसके मैले कर्म है, जो उसके बैड वर्क है, और कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, वो हमेशा शोक को ही प्राप्त होता है। इद मोदती पेचा मोदती कत्त पुन्नो भयत मोदती सो मोदती सोपमोदती दिस्वा कम्मा विशुद्ध मतनो। मतलब पुण्यार्थी इस लोक में क्या करता है, मोद करता है, मतलब आनंद करता है, और परलोक में भी जाकर आनंद करता है। वह पुण्य कर्मी जो होता है, जो पुण्य कर्मी होता है, जो अच्छे काम करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, वो लोक और परलोक दोनों जगह क्या होता है, आनंद प्राप्त करते हैं। अपने कर्मों की विशुद्धि को देखकर वो मोद प्रमोद करता है, मतलब आनंद प्राप्त करता है। जब उसको देखता है कि उसके कर्म अच्छे हैं, सद्कर्म है, तो उसको कहीं ना कहीं मोद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। 17वां, इत्थ तपति पेचा तपति पापकारी उभयत्थ तपति पापम में कतंती तपति भी यो तपति दुग्गा तिंगतो। पापी इस लोक में संताप करता है और परलोक में भी जाकर, मैंने पाप किया है सोच संताप करता रहता है, वह दुर्गति को प्राप्त हो और अब भी अधिक संताप करता रहता। मतलब कि जो पापी लोग हैं वो लोक और परलोक में भी संताप करते हैं, और मतलब भोगते हैं, और हमेशा वो सोचते रहते हैं कि मैंने पाप किया, मैंने पाप किया है, और इसी संताप के फल स्वरूप वह दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इद्धा नंदंती पेचा नंदती कत्त पुन्नो उभयत नंदती आपुन्न में कतंती नंदती भीयो नंदती सुगा तिंगतो। मतलब पुण्यार्थी इस लोक में भी आनंद करता है, परलोक में जाकर भी आनंद करता, और पुण्यार्थी लोग क्या है, दोनों जगह आनंद करता है, और वो हमेशा सोचता है कि मैंने पुण्य किया है, और यह सोच सोच कर वह आनंद को प्राप्त करता है, और वो सुगति को प्राप्त करता है, और उसका जीवन और अधिक आनंदमय होता है। बहुअम्पि चे सहितं भासमानो न तक्कारो होति नरोपमत्तो आगोपो वा गावो गण्यम प्रेसम न भागवा सामान्य होती। मतलब चाहे कोई भले ही बहुत से ग्रंथों को पाठ करने वाला हो, किंतु यदि प्रमाद में पड़े हुआ उसके अनुसार आचरण न करे, तो वह दूसरों की गऊँ गिनने वाले ग्वाली के भांति सर्वनय का सार्मण्य का अधिकारी नहीं है। मतलब कि चाहे वो कितना भी किताबें पढ़ ले, लेकिन प्रमाद में पढ़ कर वह सद्विचारों को अनुसरण नहीं करता है, तो वह वैसे ही ग्वाले हैं जो ग्वाले दूसरे की गाय गिनते हैं, और वैसे लोग सारमन के अधिकारी नहीं हैं। मतलब भिक्षु बनने का अधिकारी नहीं, पहले सारमन श्रामण्य, उसके बाद भिक्षु। और अयमक बक का अंतिम गाथा, अपम्पि चे सहितं भासमानो धम्मस्स होति अनुधम्मचारी रागं च दोषं च
पहाय मोहम समम पजानो सुविमुत चीतो अनुपदायानो इधवाहुरम बासा भागवा समन्नससा होती। चाहे कोई भले ही थोड़े ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, किंतु यदि धर्मानुकूल हो आचरण करता हो, राग द्वेष और मोह को छोड़कर सचेत और मुक्त चित वाला हो तथा इस लोक या परलोक में कहीं भी आसक्ति न रखता हो, तो वह श्रामणय का अधिकारी अवश्य होता है। मतलब कि वैसे ही लोग श्रामणय बनने का अधिकारी है जो कम ही की पुस्तकें पढ़े, लेकिन क्या हो, हमेशा सद्कर्म सद्विचार रूप आचरण करे और राग द्वेष मोह से क्या हो, दूर रहने वाला हो। और जिसको लोक परलोक दोनों जगह से आसक्ति ना हो, वैसे लोग ही श्रामण बनने का अधिकारी है, वैसे लोग ही बौद्ध भिक्षु बनने का अधिकारी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग पूरा इस धम्म गाथा को सुनिए, समझिए और पढ़िए, जरूर पढ़िए। और हमारे जो चैनल है हिस्टोरिका इंडिया, ये फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, और इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।